गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। ये चक्कर ऐसे हुआ भी, यहाँ कई रोज से एक बंदा आया, वो बोलता है कि मैं सेवा करनी है, मैं यहाँ जा करना है, वो करना है, वो ऐसे अंदर घुस गया हमारे। वो अंदर घुसा तो उसने हमारी पहले सारी उसने विश्वास हासिल कर लिया कि मैं आपके पास रहूँगा, सेवा करूँगा। वो सेवा करने लगा तो विश्वास बन जाता है जब कोई आके ऐसे कहता है। उन सेवा को किसी कौन किसी को रोक लेगा? हरिमंदर साहब है, जितने दरबार है, कहीं भी जाते हो कौन किसी को रोकता है? चाहे दुश्मन आए, चाहे दुश्मन का सिख आवे, चाहे सिख का वैरी आवे। उसने ऐसे विश्वास में लेकर, वो जो ग्रंथी सिंह है जी, महाराज की सेवा करते हैं, कैमरा कुमारी आप भगवान सिंह गग्गू सिंह, ये यहाँ सेवा करने वाले पक्के सेवादार हैं गुरु के। ये अपना जो प्रकाश करने से पहले स्नान करने के लिए अंदर गए तो उसने देख लिया भी वो साइड पे हो गया। वो एकदम अंदर गया, उसने अंदर से रुमाले महाराज के एक पोथी एक शास्त्र ऐसे वो बेअदबी करने लगा तो वो चला गया, जहाँ से भाग गया। जब इन्होंने देखा कि वो इधर को भाग गया उसके पीछे, तो गए तो वो हॉस्पिटल आया एक सामने प्राइवेट, वहाँ से वो पकड़ा गया। और पकड़ा गया वो, उसको यहाँ ले आए, उसको बांधा पीटा कईयों ने। जो संगत है सबको रोष है, जो सब गुरु को मानते हैं, तो किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया, इतने में उसकी वो डेड हो गई। और बता रहे कि वो सुबह 3 बजे करीब गया था, ये 3:30 बजे की घटना है। वो ग्रंथ अपने साथ लेके चले गया था, वो साथ लेके चले गया था। वो तो ग्रंथ वापस लाए आप लोग वहीं पे? हाँ लाए हैं, वो है वो बाबा जी के पास है, वो लेके आना है। तो उसके बाद क्या हुआ? पुलिस भी आई होगी? पुलिस आई, उसके बाद वो उसको ले गए। बता रहे हंगामा भी हुआ? हंगामा भी हुआ सुबह? हंगामा तो कोई नहीं, ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ, इसलिए महाराज की बेइज्जती हुई। जो रवैती हमारी जो मर्यादा है कि जो गुरु की बेइज्जती करेगा उसको ऐसे ही हम सौदा लगाते हैं। सौदा लगाएंगे मतलब? सौदा उसको जैसे वो आप बोलते हैं इसकी पिटाई करनी, इसको बंदा बनाना है, ऐसे करना है, हमारे लफ्जों में बोलते हैं इसको सौदा लगाना है। अच्छा बाबा जी, पिटाई और वो सब ठीक है, लेकिन किसी की मौत हो जानी तो क्या लगता है कि वो गलती से हो गई? देखो पता क्या, वो ऐसे है, ये पंजाब में कितने समय हो गया, वो पनियारे वाले थे गुरु, उन्होंने शुरू किया था काम जी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, जिप्सी गाड़ी में रख के अंग खिला रहे गुरु महाराज के, रूढ़ियों में खिला रहे, कहीं पाट दिए, कहीं जूते लेके ऊपर चढ़ गया, पुलिस को पकड़ाते हैं वो छोड़ देते हैं। अभी आनंदपुर साहब में कितनी बड़ी घटना हुआ है, बीड़ी उसने पी के फेंक दी राखी सिंहों के ऊपर। तो फिर वो ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो फिर उसके लिए सिर तो देना ही पड़ेगा, इसके शीश बलि देनी पड़ेगी। गुरु को गुरु मानना वो बात अलग है, गुरु की बात मानना असल उसको कहते हैं गुरु चेला। अच्छा उसकी पहचान भी हुई कौन था वो? हाँ वो तरन तारण के इलाके, तरन तारण के इलाके का था, चीमा पिंड था उसका। तो उसने गलती मान ली थी, वो सुबह कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, कुछ ऐसा भी बोला उसने? नहीं वो चोर पकड़ा जाएगा कुछ नहीं, वो ऐसे कैसे बोल दिया? वो भेजा, आप बता रहे थे भेजा किसी ने, क्या था वो? अब बात है ना, बोला तो उसने बहुत है, वो रिकॉर्ड जो जिस फोन में रिकॉर्डिंग हुई है वो फोन नहीं है अभी। अच्छा, क्या बोला उसने? वो ऐसे नहीं ना, प्रूफ के बिना नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा जी, और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहिए इसके अलावा? नहीं बोलना तो यही है, अभी अब जो दौर है जो बेदबीर का अब खत्म होगा, जहाँ भी ऐसे होगा कोई उसको ऐसे सौदा लगाया जाएगा। अगर बहुत देर होगी, बहुत हमने सह लिया, आप नहीं सह रहे हमसे, हम किसी सरकार के पास नहीं जाएंगे, किसी प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, हमारा प्रशासन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज है, हमारे जज हमारे अफसर सारे गुरु ग्रंथ साहब है, अब इनके हुक्म पे जो चलेगा, जो काम चलेगा इनके हुक्म पे चलेगा। गाजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमेशा न्यूज मिलती रहे।